मैं हूं ज्योति विश्वकर्मा आपकी होस्ट और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल यस डाटा न्यूज में। दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब टीवी पर प्रसारित किया जाता है। इस शो को ऑडियंस बहुत ही दिलो जान से देखती है, बहुत ही इंटरेस्ट से देखती है। ये जो शो है वो ऑडियंस का फेवरेट शो हमेशा से ही बना हुआ है। एपिसोड 1 से लेकर अब तक जो भी एपिसोड जितने भी आए वो ऑडियंस का हमेशा से ही फेवरेट शो रहा है। हर किरदार को की अपनी एक अलग ही पहचान है, हर किरदार को ऑडियंस बेहद पसंद करती है। वही दोस्तों आपको बता दूं कि यह हमेशा से नंबर 1 शो बना हुआ है और ये अपने कंटेंट की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस शो में जो टप्पू सेना उनका जो कंटेंट होता है, इस शो का जो अलग ही कंटेंट होता है, वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस शो के हर एक किरदार की अपनी अलग पहचान है, तो वही दया बहन की अपनी एक अलग पहचान है। हमेशा से दया बहन को इस शो में वापस से दया बहन को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, लेकिन उससे ज्यादा वो एक्साइटेड है दया बहन की माँ की एक झलक देखने के लिए। हमेशा से इस बात को लेकर काफी सस्पेंस बना रहता है कि आखिरकार इस शो में दया बहन की माँ है तो है कौन, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जब भी दया बहन पर कोई मुसीबत आती है या उन्हें कोई बात ऐसी होती है कि वो किसी से शेयर करना चाहती है, तब दया बहन हमेशा से अपनी माँ को फोन करती है और वो घंटों अपनी माँ से फोन पर बात करती है, उनसे सलाह मशवरा भी लेती है। हमने हमेशा देखा है कि शो में दया बहन अपनी माँ की बहुत सारी बातें करती है, वो अपनी माँ का जिक्र हमेशा करती रहती है। फैंस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उनका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि आखिरकार इस शो में दया बहन की माँ का किरदार निभाएगा तो निभाएगा कौन। लेकिन अब लगता है कि मेकर्स जो है वो प्लान कर रहे हैं कि फैंस के एक्साइटमेंट पर अब विराम लगाने का। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि एक एक्ट्रेस ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो दया बहन की माँ का किरदार निभाना पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, आपको बता दूं मैं कि एक्ट्रेस केट की दवे ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो दया बहन की माँ का किरदार निभाना इस शो में काफी पसंद करेंगी, क्योंकि ये उनका खुद का फेवरेट शो है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया है कि हमेशा से ऑडियंस को से लगता था कि वो शायद इस शो में दया बहन की माँ का किरदार निभाएंगी, लेकिन अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्हें मौका मिलता है कि वो इस शो में दया बहन की माँ का किरदार निभाए, तो वो इस किरदार को जरूर निभाएगी, क्योंकि हमेशा से ही फैंस का ऑडियंस का नंबर 1 फेवरेट शो रहा है, तो इसलिए वो इस किरदार को निभाना पसंद करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्ट्रेस केट की दवे किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्हें कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा गया है, वेल उनकी एक्टिंग की ऑडियंस तारीफ करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकते। बीच में हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई थी कि मेकर्स दया बहन की माँ के किरदार को इस शो में लाना चाहते हैं और उन्होंने पूरी स्टोरी लाइन भी तैयार कर ली थी और एक सम्मान के बहाने उन्हें इस शो में लाने की पूरी प्रोसेस भी चालू थी, लेकिन उनकी जगह सुंदर लाल ने ले ली जो दया बहन है उनके भाई का किरदार निभाते हैं। आपको बता दो कि फिर सुंदर लाल की एंट्री हो गई तो वापस एक बार फिर से दया बहन की माँ के किरदार पर काफी सस्पेंस बन गया कि वापस वो इस शो में एंट्री करेंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दो कि कुछ समय पहले ही दया बहन ने मैटरनिटी लीव लिया था, जिसके बाद से वो इस शो में नहीं दिखाई दी है। अब ऐसे में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या दया बहन वापस इस शो में एंट्री करेंगे या फिर नहीं। अगर उनकी माँ के किरदार का इस शो में एंट्री होता है तो क्या बाकी वो केक की दवे उनके किरदार को निभाएंगे या फिर नहीं, ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।